हेलो दोस्तों, ओजे एक्स वाई जेड के एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा आप जीमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना नहीं आता है तो आप ये वीडियो फुल वॉच करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले आपका एक मोबाइल में क्रोम ओपन करना है, कौन सा भी क्रोम ओपन करिए। मेरे पास गूगल का क्रोम है तो मैं ये क्रोम ओपन करूँगा। और कुछ नहीं गाइस, देखो इधर आपको सिर्फ ऐसे करना है जी क्रिएट। देखो जी क्रिएट बोलने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको सिंपली पहले वाले ये देखो पहले वाले पे टच करना है, क्रिएट योर जीमेल गूगल अकाउंट। तो इस पे टच करेंगे तो इधर देख सकते हैं आपके जो भी जीमेल आईडी हो ये इधर आएंगे। तो आपको नहीं करना है, मतलब न्यू आईडी क्रिएट करना है तो आपको इधर ऐड अकाउंट पे जाना होगा। जैसे आप जाओगे चेकिंग इंफॉर्मेशन होगा तो आपका एक पासवर्ड है तो पासवर्ड दे देना। और मैं पासवर्ड दे दिया, थोड़ा नेट इशू इसके लिए देर हो जाएंगी, कोई बात नहीं। चलिए देख सकते हैं मेरे पास ऐसा आ गया है। अभी मैं कुछ नहीं करना, इधर क्रिएट अकाउंट पे टच करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे टच करेंगे इधर बोलेंगे बिजनेस के लिए आपको करना है तो बिजनेस के लिए, मुझे तो सेल्फ के लिए करना है तो मैं सेल्फ पे टच करूँगा। फॉर माई सेल्फ आपको फर्स्ट नेम डालना है तो मैं कोई भी डालूँगा, मैं डालूँगा ओ जी लास्ट भाई, ठीक है। कुछ भी आपको, मतलब आपका जो नेम है वो आपको इधर डालना पड़ेगा, आपका नेम डालना पड़ेगा और आपका लास्ट नेम डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। कुछ नहीं, नेक्स्ट करने के बाद आपका बर्थ डेट डालना है। मेरा जो है मैं वो डालूँगा सिंपली कोई, दोस्तों अभी मैं आप देख सकते हैं अभी मेरा बर्थडे डाल दिया है मैंने। आपका जो है आप डाल दीजिए। अभी आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आपको जीमेल बोलेगा, मतलब आपको जो जीमेल अच्छी लगती है आप लीजिए, वरना आपको इसमें से जीमेल नहीं अच्छी लगती है तो आप इस ऑप्शन पे जाके खुद को जो पसंद है जीमेल हो डाल सकते हैं। तो मैं अब इधर आपको ऑप्शन आएगा नया, आपको आपकी मनपसंद की जीमेल डालने को मिलेगी। आपको क्या डालना है तुम सिंपली कुछ भी डालो, आपकी मर्जी। तो मैं डालता हूँ ओजे भाई 2222। फिर डालने के बाद पासवर्ड डालने का, तो पासवर्ड डालता हूँ मैं, तब स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। आपको एक स्क्रीन शॉट ले लेना है जिससे आपको पासवर्ड याद रहे। आप पासवर्ड कभी भी भूलना मत गाइस, कभी भी भूलना मत। आपने देखो मैंने डाल दिया पासवर्ड, अभी आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इधर नीचे आपको यस कर देना है, यस करने के बाद ये नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री पे टच करना है। आई एग्री पे आप जैसे ही टच करोगे तो देख सकते हैं आपकी जीमेल आईडी आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। और देखते देखते मेरी जीमेल आईडी आप देख सकते हैं गाइज, मेरी नई वाली जीमेल आईडी है। आपको वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लीजिए फटाक से सब्सक्राइब, ब्लैक बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।